ये बहुत बढ़िया बात इन्होंने याद दिलाई मुझे। 1991 में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई कि मैंने कहा कि आजकल संसद में खबरें ब्रेक होती हैं, मैंने पत्रकार खबरें ब्रेक किया। देखिए ये चक्कर की तरह चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे। अभी तो आप देखिए कि रफाल के बारे में संसद में चर्चा पहले हुई, हिंदू में पहले हुई, इन राम ने ब्रेक किया, उसके पहले इंडियन एक्सप्रेस में ब्रेक। तो हमारी पत्रकारिता स्वयं बड़े जागृत है पत्रकार। जब मैं पीटीआई भाषा का संपादक था तो चित्रा सुब्रमण्यम ने मुझे जिनेवा से फोन किया, वो लड़की पहले शायद इंडियन एक्सप्रेस में काम करती थी। लोग मुझे पत्रकार के अलावा भी पता नहीं क्या क्या समझते हैं, इसलिए इंटरव्यू करते रहते हैं। पत्रकारों का तो कोई इंटरव्यू देने का होता नहीं कारण, और उनको इंटरव्यू करने का भी कोई कारण, लेकिन लोग ये समझते हैं कि भाई फॉरेन पॉलिसी में मेरा कोई दखल है, देश के नीति निर्माण में मेरा कोई दखल है, तो लोग करते रहते हैं। तो चित्रा सुब्रमण्यम मुझको जाना, रात को 12 बजे हमारे न्यूज़ एडिटर का मुझे फोन आया, रफीक शास्त्री, न्यूज़ एडिटर मोहम्मद रफीक शास्त्री। शास्त्री जी ने मुझे फ़ोन किया कि भाई वो इस तरह से उस व्यक्ति का फोन आया है और वो बोफर्स पे कोई खबर नहीं है, तुम्हें क्या है? मैंने कहा कि आज सुनाई मुझे फोन किया है, उन्होंने फोन पे सुनाया उसका, इस खबर में क्या है? प्रामाणिक खबर है, उसने सोर्सेस कोट की है। और हमारे यहाँ ये सिद्धांत कि नामूलक लिखे थे कि चित बिना प्रमाण के कोई बात नहीं, लड़की ने प्रमाण दिया। उन्हें जो पीटीआई के जनरल मैनेजर हैं उनसे मैं पूछा, मैंने कहा वो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, संपादक के बनते ये मेरी चिंता है कि जनरल मैनेजर क्या करेंगे, अंग्रेजी वाली जो पीटीआई की हमारी सर्विस है उसमें खबर को चलाएंगे नहीं चलाएंगे। तो उस वक्त जो न्यूज़ एडिटर वहाँ बैठे थे डेस्क के रात, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा भाई मैंने चेक कर लिया है, सोर्स वगैरह सब प्रॉपरली कोट किया हुआ है, चला नहीं उसको एतराज़ नहीं होना चाहिए, अंग्रेजी में हिंदी में खबर चले। और दूसरी के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। शारदा प्रसाद जी ने मुझे फोन किया, शारदा प्रसाद जी को मैंने कहा शारदा प्रसाद जी जो खबर प्रमाण के साथ दिया है उस पर हम क्या कर सकते, मैं किस मुँह से अपने कारस्पॉन्डेंट को या जिसने भी खबर कही है उसको रोक, मेरी कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं मैं उसको रोक, खबर खबर हो जाए। तो वैसा आज भी हो रहा है। देखिए रफाल पे जो प्रश्न उठाए गए हैं पत्रकारों को उसका जवाब सरकार को देना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता है कि सरकार को संकोच किस बात का, सरकार को सारी बात खोल के पहले से ही बता दें ताकि कोई शंका ही नहीं हो सके। भाई उन्होंने किसी एक इंडियन सेठ को ठेका दिया है, वो ठेका दिया हम ठीक समझते हैं और उसमें इतना खर्च हुआ है, अगर आप उसमें पैसे नहीं खा रहे तो आपको डर किस बात का है? आपने माल कहाँ से खरीदा है, आपने किससे बातचीत की, आपको डर किस बात का है? लेकिन आप अगर उसमें धांधली कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं तो छुपाने की जरूरत है, जरूरत क्या छुपाने। बोफर्स के मामले में हमारे पास कई सोर्सेस खबरें आती थी, हम जारी करते थे, बस ये क्रॉस चेक करते थे कि ये मन गलत खबर ना हो, डॉक्यूमेंट कोट किया होता उसका मैं कोट देख पाता फिर उसको क्रॉस चेक करता था। इसलिए हम समझते हैं कि पत्रकारिता बहुत सजग है, लोग डरते नहीं, ईमान की बात है, खासतौर से हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस आजकल बिल्कुल जबरदस्त काम कर रहे हैं।